नमस्कार, क्विक आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अमरूद के बारे में और अमरूद आपके शरीर के लिए कितना फायदेमंद है उसके बारे में। जी हाँ, आयुर्वेद में अमरूद के कई फायदे बताए गए हैं। अमरूद में माताओं में दूध बढ़ाने, मल को रोकने वाले, पौरुष बढ़ाने वाले, शुक्राणु बढ़ाने वाले और मस्तिष्क को सबल बनाने वाले गुण पाए जाते हैं। अमरूद का औषधीय गुण प्यास को शांत करता है, हृदय को यानी कि हार्ट को स्ट्रांग बनाता है, कृमियों का नाश करता है, उल्टी को रोकता है, पेट को साफ करता है और कफ निकालता है। मुंह में छाले होने पर भी, मस्तिष्क एवं किडनी के संक्रमण से भी, बुखार और मानसिक रोगों से भी, मिर्गी आदि से भी आपको बचाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। आइए अमरूद के प्रमुख फायदों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सर्दी जुकाम में, जुकाम के पुराने रोगी जिसका कफ ना निकल रहा हो, उसको एक बड़ा अमरूद बीज निकालकर खिला दें और ऊपर से ताजा जल रोगी नाक बंद करके पी ले। 2-3 दिन में ही रुका हुआ जुकाम बहकर साफ हो जाएगा। 2-3 दिन बाद अगर आपको स्राव रोकना हो, अगर आपको जुकाम का बहना रोकना हो, तो 50 ग्राम गुड़ रात के समय में बिना जल पिए खाकर सो जाइए। अगर सूखी खांसी हो और कफ ना निकलता हो, तो सुबह एक ताजे अमरूद को तोड़कर चबा चबा कर खाने से 2-3 दिन में आपका जो कफ है वो निकल जाएगा। मुंह के रोगों के लिए अमरूद के 3-4 पत्तों को चबाने या पत्तों के काढ़े में फिटकरी मिलाकर कुल्ला करने से दांत के दर्द में आराम मिलता है। फिटकरी के काढ़े को भूलकर भी अपने अंदर ना ले जाएं, उसको निगले नहीं। अमरूद के कोमल पत्तों में कत्था मिलाकर पान की तरह चबाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। अमरूद के पत्तों को पानी में पकाकर काढ़ा बना लें। इस काढ़े में नमक मिलाकर मुंह में 4-5 मिनट तक रखकर कुल्ला करने से मुंह के घाव और मुंह से आने वाली दुर्गंध भी ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ यह आपके मसूड़ों को और दांतों को भी काफी लाभ पहुंचाता है। हार्ट डिजीज यानी कि हृदय रोगों के लिए अमरूद का औषधीय गुण पाने के लिए फलों के बीज निकालकर बारीक बारीक काटकर शक्कर मिलाकर धीमी आंच पर चटनी बनाकर खाने से हृदय विकार यानी कि हार्ट डिजीज और कब्ज में लाभ मिलता है। कब्ज की बात आई तो आपको बताते हैं कि अगर आपको कब्ज को बिल्कुल ठीक करना है, तो सुबह सुबह अमरूद को नाश्ते में काली मिर्च, काला नमक और अदरक के साथ खाने से बदहजमी, खट्टी डकारें, पेट का फूलना और कब्ज जैसी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोपहर खाने के समय अमरूद को खाने से आंत के दर्द और अतिसार में लाभ होता है। अमरूद के गुण का लाभ मिलने के लिए सही मात्रा में सेवन करना बहुत जरूरी है। अमरूद का मुरब्बा कब्जियत को दूर करने में एक अचूक उपाय की तरह काम करता है। अगर आपके फेस पर पिंपल हैं तो क्या करें? अमरूद के पत्ते त्वचा के निखार के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अमरूद की पत्तियों का लेप कील मुहासों को दूर करने में काफी ज्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि इनमें कषाय गुण पाया जाता है जो त्वचा की गंदगी को दूर करता है और तैलीय तत्व को नियंत्रित कर मुहासों को आने से रोकता है। अब सवाल है जो पूछे जाते हैं, क्या सर्दियों के मौसम में अमरूद का सेवन करना चाहिए? तो आपको बता दें कि आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अनुसार सर्दियों के मौसम में अमरूद खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसे खाने से पाचन तंत्र ठीक रहता है और साथ ही इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। इसलिए जाड़ों के दिनों में रोजाना ताजे अमरूद का सेवन करना चाहिए। क्या अमरूद का सेवन पेट के लिए भी फायदेमंद होता है? सर्दियों में अधिकांश लोग पेट से जुड़ी समस्याओं से बड़े परेशान रहते हैं और ऐसा देखा जाता है कि सारी समस्याएं पाचन तंत्र के ठीक ढंग से काम ना करने के कारण होती हैं। ऐसे में अमरूद का सेवन बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में मौजूद फाइबर पेट को साफ रखने में, पेट की समस्याओं को दूर करने में, इनडाइजेशन को खत्म करने में काफी फायदेमंद होता है और पाचन तंत्र को ये काफी दुरुस्त बनाता है। क्या अमरूद की पत्तियां सेहतमंद होती हैं? जी हाँ, जैसा कि हमने आपको वीडियो में भी बताया, अमरूद का फल जितना स्वादिष्ट और फायदेमंद होता है, उसकी पत्तियां भी उतनी ही लाभदायक होती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अमरूद की पत्तियों में इम्यूनोमॉड्यूलेटरी का गुण पाया जाता है, जो कि रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है और कई मौसमी बीमारियों से आपको बचाता है। तो जाना आपने कि ये भारतीय अमरूद केवल फल ही नहीं है, ये तो औषधि है। आपके वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में और वीडियो को लाइक करने के बाद क्विक आयुर्वेद को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।